वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व सदा चली आई प्राण गाय पर वचन न जाई, प्राण गए तो गए लेकिन वचन नहीं गया, तो रघुकुल में एक ऐसा पुत्र पैदा हुआ जिसने वचन की मर्यादा का पालन किया और इसीलिए वो कह रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मानव जीवन को मर्यादित किया। तो रामचंद्र जी ने कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाई, जिसे कहते हैं ना दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य कर का हो न व्यापा, तो ऐसा नहीं है रामचंद्र जी ने कुछ जादू कर दिया हो है सब दुखों दूर हो जाओ इस जनता से, नहीं, रामचंद्र जी ने मर्यादित जीवन व्यतीत किया, मर्यादा का पालन किया, स्वयं घर छोड़ के चले गए वचन की मर्यादा का पालन किया और घर को बर्बाद कर गए। पिता तड़प तड़प के मर गए, माताएं 14 वर्ष तक बिलखती रहीं, घर में कोई पादुका लेकर के घर में रामचंद्र जी भरत जी भी आए तो वो भी राजपाट में नहीं रहे, वो भी वन में ही रहे कुटिया डालकर और उनकी पादुकाओं से राज्य चलाया गया, पूरा घर चौपट हो गया। एक मंथरा ने एक मिसगाइड कर दिया, एक ऐसा व्यक्ति जो घर में एक गलत परामर्श दे दे तो उनकी राम माता जी को कैके ही माता जी को गलत परामर्श दे दी उसने, मंथरा ने गलत सीख दे दी, तो एक बचपन में भी कोई गलत सीख मिल जाती है तो कितना विनाश हो जाता है, पूरा मंथरा घर को ही लेकर डूब गई। राम को 14 वर्ष का वनवास, दशरथ की मृत्यु, घर में तड़फन, घर में कोई ये नहीं, और अयोध्या में 14 वर्ष तक दिए नहीं जले, अयोध्या में अंधेरा रहा, 14 वर्ष के बाद दिए जले, एक मंथरा के कारण, एक गलत सीख के कारण, एक ऐसी सीख जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख देने वाले और ईश्वर की शिक्षा के विरुद्ध सीख को सुनने वाले, दोनों का कितना विनाश होता है ये आप छोटी सी कहानी से देखिए। तो उस लड़के ने यही कहा कि देखिए मेरे पिताजी ये मुझे किस्सा बताते हैं कि बड़े पिता की बात को मानो, तो बड़े पिता की आज्ञा यही है कि मैं हमेशा ईश्वर की इच्छा के अनुसार काम करूं और अपनी इच्छा का काम न करूं। तो मैं ये जो परमात्मा है ये मेरा बड़ा पिता है, उसका घर मेरा अपना है और ये सब जमीन है मेरी, ये आसमान है मेरा, मकीन है हर मकान हूँ मैं, हर एक मकान है मेरा। तो बच्चों को ग्लोबलिज्म विश्व बंधुत्व विश्व प्रेम की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, तो ये कार्यक्रम ही नहीं है, एक ट्रेनिंग है बच्चों के माइंड की, एक माइंड को सेट को पूरे को ग्लोबलिज्म की तरफ ढालने की एक कोशिश है जिससे कि दुनिया को बचाया जा सके। अब ये सारी किताबें आप देख लीजिए, इसमें 7,500 वर्ष पूर्व ये जो रामायण आई है, तो ये तो 500 वर्ष पूर्व आई है रामायण, तो रामचंद्र जी को कोई पुस्तक नहीं मिली, रामचंद्र जी को कोई पुस्तक दिव्य लोक से नहीं मिली, तो इसलिए लेकिन कृष्ण जी को पूरे दिव्य लोक में एक पहली पुस्तक जो इस संसार की है वो गीता भगवान कृष्ण जी को मिली 5,000 वर्ष पूर्व, और रामचंद्र जी का आगमन पहले हुआ 7,500 वर्ष पूर्व, तो उन्हें कोई पुस्तक नहीं मिली। तो इसलिए राम को हिंदू धर्म में अर्ध अवतार मानते हैं और कृष्ण को पूर्ण अवतार मानते हैं, तो इसको पूर्ण अवतार मानते हैं। तो लेकिन अवतार थे और उन्होंने ऐसा समाज बनाया कि मानव जीवन मर्यादित कर दिया। तो 7,500 वर्ष पूर्व राम आए थे और उनके ऊपर गाथा आई है, तो क्या 500 वर्ष पूर्व क्या हुआ, तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो बचपन से ही उनकी मम्मी ने रामचंद्र जी के बारे में सिखाया, मर्यादा के बारे में बताया, बचपन से ही उनका जीवन
तुलसीदास जी का मर्यादित हुआ। फिर थोड़े बड़े होने लगे तो स्कूल में गए, गुरु जी के यहाँ गए, हर जगह राम की चर्चा उन्होंने सुनी। सुनते सुनते वो इतने प्रभावित हो गए कि वो रामचंद्र जी के ऊपर उन्होंने बहुत घूम घूम कर लोगों से पूछा कि भाई उनके बारे में और कोई बताइए कहानियाँ, और कोई बताइए। तो जहाँ से भी जो मिला सब इकट्ठा किया और फिर उन्होंने एक पुस्तक तैयार की, छंद तैयार, छंद लिखे, चौपाई लिखी, रामायण तैयार कर दी। तो ये जो रामायण है वो रामचंद्र जी के जीवन की गाथा है। रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, उनकी शिक्षाएं क्या थी, सब इसमें समाहित है। तो रामचंद्र जी ने क्या क्या, देखिए दो तरह के नियम होते हैं इन सब किताबों में, एक होते हैं शाश्वत, एक होते हैं सामाजिक। शाश्वत नियम तो कभी बदलते नहीं। अब शाश्वत नियम उदाहरण के लिए आप देखें, एक प्रार्थना में सब समराइज है, ये बाहुल्ला ने लिखी है, भाई धर्म की प्रार्थना है। इसमें है, बी जेनरस इन प्रॉस्पेरिटी एंड थैंकफुल इन एडवर्सिटी, वी वर्दी ऑफ द ट्रस्ट दाई नेवर एंड लुक अपॉन हिम विद अ ब्राइट एंड ए फ्रेंडली फेस, बी ए ट्रेजर टू द पुअर एंड एडमोनिशर टू द रिच एंड आंसर टू द क्राई ऑफ द नीडी, ए प्रेजर्वर ऑफ द सैंक्टिटी टू द फ्लेश, बी फेयर इन दाई जजमेंट एंड गार्डेड इन दाई स्पीच, बी अनजस्ट टू नो मैन, शो ऑल मीकनेस टू ऑल मैन, बी एज ए लैम्प टू दैम द वॉक इन डार्कनेस, ए जॉय टू द सॉरफुल, ए सी फॉर द थर्स्टी, ए हेवन फॉर द डिस्ट्रेस्ड, एन अपहोल्डर एंड डिफेंडर ऑफ द विक्टिम ऑफ ऑपरेशन, लेट इंटेग्रिटी एंड अप्रेशियसनेस डिस्टिंग्विश ऑल देन एक्ट, बी ए होम फॉर द स्ट्रेंजर, ए बाम टू द सफरिंग, ए टावर ऑफ स्ट्रेंथ फॉर द फ्यूजिटिव, बी आईज टू द ब्लाइंड एंड ए गाइडिंग लाइट एंड टू द फीट ऑफ वेरिंग, बी एन ऑर्नमेंट टू द काउंटेनेंस ऑफ ट्रुथ, ए क्राउन टू द ब्रो ऑफ फाइडेलिटी, ए पिलर ऑफ द टेम्पल ऑफ रेजिसनेस, ए ब्रेथ ऑफ लाइफ टू द बॉडी ऑफ मैनकाइंड, एन एनसाइन ऑफ द होस्ट ऑफ जस्टिस, ए ल्यूमिनरी अबव द होराइजन ऑफ दाई वर्च्यू, ए ड्यू टू द सॉइल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, एन आर्क ऑन द ओशन ऑफ नॉलेज, ए सन इन द हेवन ऑफ बाउंटी, ए जेम ऑफ द डायनम ऑफ विजडम, ए शाइनिंग लाइट अंटो द फर्मामेंट ऑफ द जनरेशन, ए फ्रूट अपॉन द ट्री ऑफ ह्यूमिलिटी। तो सब धर्मों में ये आध्यात्मिक शिक्षाएं दी हुई, चाहे आप गीता ले लें, चाहे त्रिपिटक ले लें, चाहे बाइबल ले लें, चाहे कुरान, चाहे गुरु ग्रंथ साहब, चाहे भाई धर्म की किताबें अजाविस्ता ले लें या किताबें एकदश ले लें, सब में शाश्वत नियम एक थे। उनमें वही सत्य, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सहानुभूति, उदारता, तन मन की सफाई, चरित्र कवल, नैतिकता, विश्वास पात्रता, त्याग, बलिदान, सेवा की भावना आदि आदि, ये सारे गुण शाश्वत हैं और ये युगों युगों तक रहेंगे और जब जब नए अवतार आएंगे इन्हीं नियमों की पुनरावृत्ति करेंगे। ये नियम कभी नहीं बदलेंगे, सत्य का नियम कभी नहीं बदलेगा, प्रेम सत्य करो ये शाश्वत नियम है, न कभी बदला है न बदलेगा, त्याग करो सब एक दूसरे के लिए, ये नियम न कभी बदला है न बदलेगा। तो ये नियम सब एक है। अब एक चीज़, ये इतने धर्म क्यों आए, ये अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो सर्वधर्म प्रार्थना हुई है उसका पर्पज है, उसका पर्पज ये बच्चों को ये बताना कि भाई सब धर्म जो है एक परमात्मा से आए हैं, इसलिए सब धर्मों की प्रार्थना करो। सारे धर्मों की शिक्षाएं एक परमात्मा से आई हैं, इसलिए सब धर्मों की प्रार्थना करो। तो इसमें अब देखिए रामायण में क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम में, तो शाश्वत नियम तो सब में वही। अब सामाजिक नियम क्या दिया, रामचंद्र जी ने क्या नियम दिया, भगवान ने रामचंद्र जी को डेप्यूट किया। डिवाइन मिस्ट्री होते हैं सब अवतार, जितने भी अवतार हैं ये देवी रहस्य होते हैं, इनको जो सृजित किया रामचंद्र जी को, तो रावण का जीवन अमर्यादित हो गया था। रावण राजा था, सम्राट था, और राजा का दरबार में ही न्याय होता था। उस समय कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोई कचहरी नहीं होती थी, केवल राजा के दरबार में कोई फरियादी जाता था कि हे राजन हमारे प्रति अन्याय हुआ है और इस व्यक्ति ने अन्याय किया है, उस व्यक्ति को बुलाया जाता था, राजा दोनों तरफ की सुनता था और सुनने के बाद वो न्याय देता था। तो राजा न्यायाधीश भी होता था, यानी वो सम्राट भी होता था, राजा भी होता था और मुख्य न्यायाधीश भी होता था, चीफ जस्टिस भी वही होता था। तो सारे चीफ जस्टिस होता था, वो न्याय करता था। अच्छा, अब यदि राजा अमर्यादित हो जाए तब क्या होगा, रावण अमर्यादित हो गया, वो राजा था, जब अमर्यादित होगा तो क्या होगा कि राजा के अमर्यादित होने से उसके परिवारजन अमर्यादित होंगे, उसके मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रीगण अमर्यादित होंगे,
उसके अधिकारी अमर्यादित होंगे और फिर समाज में जो दबंग हैं वो अमर्यादित हो जाएंगे। तो भगवान के दरबार में खलबली मची कि तो धरती पर राजा ही अमर्यादित हो गया। जो राजा न्याय करता है, जो सबकी सुनता है, यदि किसी के प्रति कोई अपमान हो, किसी की बहू बेटी को कोई कुछ कह दे, तो वो राजा न्याय करता था, दंडित करता था। कोई शिकायत लेके पहुंच जाए किसने हमारी लड़की की तरफ बुरी दृष्टि से देखा है, तो राजा उसे दंडित करता था। लेकिन राजा स्वयं यदि किसी की पत्नी की तरफ कुदृष्टि डाले, वो अमर्यादित हो जाए। जो ईश्वर को पहचान ले वो फिर प्रभु की राह में कोई भी कष्ट उठा सकता है। तो वो मानव जीवन को मर्यादित किया। अब मर्यादा का नियम, ये किसी हिंदू या मुसलमान या सिख और ईसाई या जैन फारसी, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि ये हिंदुओं के लिए है, ये मुसलमानों के लिए नहीं। मर्यादा हर एक के लिए है और युगों युगों तक मर्यादित जीवन जिसका होगा वो सुखी होगा। तो ये सारे युगों युगों के लिए नियम है। एक बार आया है, 7,500 वर्ष पूर्व आ गया, तो इसके मानिए नहीं कि ये एक बार आया है। नहीं नहीं, ये शाश्वत मूल्य भी सदैव रहेंगे और ये जो सामाजिक नियम है ये भी सदैव के लिए आ गया है, ये कभी बदलेगा नहीं। मर्यादा युगों युगों में जितने भी युग और होंगे, जब मर्यादित जीवन होगा तभी सुख होगा, अमर्यादित होगा तो उसमें बहुत अव्यवस्था हो जाएगी। अब आप देखें तो 5,000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण का आगमन होता है और ये भी डिवाइन मिस्ट्री थे और इनकी आत्मा में दिव्य प्रकाश आ गया और अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर इस गीता में सब लिखे हुए। अभी कृष्ण जी ने तो लिखी नहीं गीता, ये किसने लिखी? ये तो एक धरती का प्राणी अर्जुन प्रश्न कर रहा था, क्यों कृष्ण कह रहे थे तुम युद्ध करो और वो युद्ध करना नहीं चाह रहा था। कृष्ण कह रहे थे कि अपने चचा मामा ताऊ और अपने गुरु द्रोणाचार्य और अपने भीष्म पितामह कर्ण जैसे दानी और भीष्म पितामह जो तुम्हारे कुल गुरु हैं इन सबको मार दो। अर्जुन कह रहा था कि ये मेरे चचा मामा ताऊ जिन्होंने मुझे गोदी में खिलाया है, मैं इनको काहे के लिए मार दूँ, राजपाट के लिए मैं तो नहीं मारूंगा। तो कृष्ण जी ये समझाते हैं कि नहीं भाई, इनको इसलिए नहीं, ये अन्यायी हो गए, दुर्योधन ने अन्याय किया है और उसने न्याय आधा राज्य नहीं दिया पांडवों को, अन्यायी हो गया। और राजा अन्यायी होगा तो फिर उसके वही मंत्रीगण अन्यायी हो और फिर उसके बेटा बेटी अन्यायी हो, अब इस समाज में दमंग अन्यायी होंगे, समाज में पूरे में अन्याय फैल जाएगा। तो राजा जो न्याय देने वाला है वो अन्याय करेगा तो अब तुम्हें बहुत गड़बड़ होगी समाज में। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, गलत, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, न्याय के वास्ते बंधु। अब वो कृष्ण जी समझाए उसकी समझ में ना, तब परमात्मा की ओर से उत्तर आया। तो अर्जुन प्रश्न कर रहा है और उत्तर भगवान दे रहे हैं, कृष्ण जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, न कृष्ण का अर्जुन का कोई संवाद हुआ। गीता में कृष्ण अर्जुन का संवाद नहीं है, गीता में भगवत वाणी है, अर्जुन का भगवान का संवाद है। अभी कृष्ण क्या है, पवित्रतम आत्मा थे की तो इनके माध्यम से, क्योंकि भगवान के पास कोई अपना मुंह तो होता नहीं, भगवान तो आत्म तत्व है, कोई बॉडी फॉर्म तो है नहीं, न उनकी आँख होती है, न कान होते हैं, न मुंह होता है, न हाथ पैर होते हैं। तो वो भगवान अपनी बात को अर्जुन से कहें कैसे, धरती के प्राणी को तो कोई धरती का प्राणी ही कह पाएगा। तो कृष्ण जी धरती के प्राणी भी थे और आत्मा पवित्र थी, ईश्वरीय भी थे, तो वो एक माध्यम बन गया। जैसे कोई बांसुरी बजाने वाला भगवान है और वो गा रहा है गीत, और वो गीत सुनने वाला कौन है, अर्जुन, और कहाँ से आ रहा है, बांसुरी के माध्यम से, तो गाने वाला तो भगवान है ना। तो आप देखें कि गीता में कहीं कृष्ण का नाम नहीं है ऊपर से नीचे तक, गीता तो भगवत वाणी है और लिखा भी है अर्जुनोवाच, अर्जुन ने ऐसा कहा, भगवानोवाच, भगवान ने ये कहा, अर्जुनोवाच और कृष्णोवाच नहीं है। यदि कृष्ण की वाणी होती तो लिखे अर्जुनोवाच कृष्णोवाच, तो कृष्ण की वाणी है ही नहीं, तो ये तो दिव्य वाणी है। अब जो दिव्य वाणी होती है तो हिंदुओं की नहीं हो सकती। अब कितना बड़ा अज्ञान फैला हुआ है कि आप गीता रामायण हिंदुओं की किताबें हैं। अरे भाई, हिंदू क्या कोई रामचंद्र जी
या कृष्ण जी कोई हिंदू नेता थे क्या? ये तो डिवाइन मिस्ट्री थे, अवतार थे, और इनकी आत्मा में जो दिव्य प्रकाश आया परमात्मा से आया, एक परमात्मा था। और जो परमात्मा का प्रकाश है तो सृष्टि का बनाने वाला परमात्मा कोई प्रकाश देता है, कोई ज्ञान देता है, तो सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए। We raise the banner of our school and see it flying high. We raise together all our voices till they reach the sky. CMS is the place to be. CMS is for you. City Montessori School organized a grand careers day at CMS World Unity Convention Center Auditorium with the aim to provide a golden opportunity to its students of classes 10th to 12th to choose to get better understanding and clarity with regards to better career options. CMS, the largest school by pupils, a Guinness World Record holder, has always ensured the holistic development of a child by not only providing education of material, human and divine knowledge, it also develops a strong student community which is armed with knowledge of real-time life situations and preparedness towards global awareness. India has become a global super brand, if not in the overall information technology context, but at least as a software, in the software area. In the IT and software services universe, India has a mind-blowing 55% share in the global outsourcing market. You know, can you imagine the entire world's IT services which get done in a outsourced model, India has a huge share of 55%, you know. NASSCOM has still not released the revenues for the year 17-18, but you know, in 16-17, the overall revenue of the industry stood at about $150 billion, and there has been a year-on-year growth of in double digit, 10% plus has been the growth of most of the major companies, so IT grows basically at a rate which is higher than the GDP of the country, you know. If you look at overall, for the first time last year, the IT export component itself exceeded almost $100 billion, which is a very, very, very big thing, you know. And today IT contributes anywhere between 9.5, and you know, by the time you have the March data available for the last financial year, you know, almost 10% of the contribution of for entire Indian GDP come from IT sector. So IT contributes, and IT enabled services, almost 10% of the GDP of the country. You know, a lot of people say India has a lot of agriculture and that kind of a thing. Let me tell you, agriculture and all the allied fields put together account for only 17% of the entire GDP, and manufacturing sector overall accounts for just about 13, 14, 15% of the GDP of the country. And IT, despite being one vertical, contributes to about 10% of the GDP of the country. I'm just trying to tell you that, you know, how important the sector has become. And if the current trends are any indication in the agriculture growth rate and IT growth rate, then in about 10 years' time from now, you'll see a situation where IT's contribution to the economy would have outplaced,
you know, the contribution made by agriculture to our country. You know, it's a you know, the world's fourth best startup ecosystem is actually you know, those stories come from Indian IT industry, and the industry offers you know, almost close to 4 million people employment. 4 million is 40 lakh, which is a very, very large thing. And IT has a huge multiplier effect. For every direct job that IT industry creates, there's a 3 times the number of people who create the, you know, who get indirectly employed by the IT industry. I don't want to, what my point of view was that we cannot excel in this field if we are doing it from India. We have to go abroad. So is unless and until we are doing it from IIT or some kind of top institute. Sir, is there any field for me in gaming if I'm doing it from India? I mean, I would still feel you could go to India, either IITs or even NIITs or top 10, 15 private sector colleges. You can go for your first degree here and then go for gamification specialization at your master's level. You could do that. But you know, I do agree, because India somehow has not become, in terms of development of these games and all that, India has not become a major center as yet. But there is no reason why India, having had such a fabulous inroads into the rest of the IT industry, why can't India become a, you know, a gaming or a game development offshore location, you know, for all over the world, even in the films processing and special effects and all that. A lot of some work is happening here and there, but you know, it's just a question of some good entrepreneurs coming up and seizing the opportunity big time, the way TCS did to the industry. It started the industry it is the 50th year of TCS in 1968 when they started. So I think somebody saw the opportunity, and then when TCS came, you know, a decade later, Infosys and Wipro, you know, all these people came in, you know, kind of thing. Somebody has to take one big player, you know, early mover, and, you know, get into it and make it big. So coming back to your question, I see no harm in doing your first degree here and then go for specialization in games at your master's level. Sir, is it necessary that if I have to do it from an IIT or NIT? No, as I said, if you know, everybody dreams to get into IITs, but if you don't get into it, it's not the end of the road. But at the same time, get into NIITs, you get into the top 15, 20 private sector colleges. If you don't get there, don't, you know, for example, there are lots of colleges, you know, hundreds and hundreds of colleges, perhaps more than 1,000 colleges, engineering colleges in the country today. So don't get into the lesser ones, because I mean, you will not be able to get those coveted jobs if you get into the lesser colleges, you know. I mean, for example, you take a state like UP itself. UPTU, you know, which is called APJ Kalam University now. You know, even there, you have some top 10, 15, 20, institutes, which are pretty good, you know, kind of thing. But don't go into the bottom 50 or bottom 100. Then you will not, you know, be able to crack the whip, the challenge. Yes, Aditya. Sir, if I want to become a software engineer, software developer later on, so what shall be my plannings from right now? If you want to become a software developer. So planning is, you know, you have to get into a good engineering degree, you know. And best is to get into a computer science kind of a program. If you don't get into any of the some courses which are see, we are in which class right now? 10th. So I think, you know, your mathematics is very, very critical. To some extent, physics is also critical, but mathematics is something, you know, you have to spend almost 50% of your time in mathematics. But if you want to take up a computer science program, mathematics is the building block for that. That's extremely important, you know. So I think, and then get a good computer science degree, and the rest will happen. I mean, if you look at pure programming, then even MCA kind of programs are good. But whole thing is the quality. See, in these colleges, what will happen? A lot of learning happens by your peer group, the kind of students. So why IITs are good? Not just because IITs, you know, their teachers are good. Teachers are good, definitely. But almost equally important is that your peer group with whom you interact,
you know, they are the best of breed. They represent the cream of the society, and there is so much of learning through your student colleagues also, not just from teachers. You know, so I think it's important. Aim high, and it's not an impossible dream. And if you don't get into IIT, you know, as I said, NIT are good enough. Some of the government colleges are good enough. Some 15, 20, 25, perhaps private sector colleges are also good. It's not that there's nothing wrong in those colleges either. So, is it important to get a valuable college or a university of our choice? Can you be a little more, can you clarify it more? A choice between a college and a university? No, sir. College in the course. Like if I get not computer science in IIT, is it better to take computer science in a lower college, or is it important to get into the IIT's course? My choice will be, even if you are completely non-computer science degree from IIT will be a better choice than a computer science degree from a category, category B or category C college. My personal preference would be a non-computer science degree from IIT will fetch you better dividends in life than a computer science degree from a grade B or grade C, tier 2 or tier 3 colleges. Thank you, sir. But that's everybody's, that's not a same rule, doesn't apply to all, but that's my, that's the way I look at the world. Hello, sir. Hi. Sir, I'm Prabal. Sorry? I'm Prabal. Prabal? Yes, sir. Yeah. In today's scenario. What does Prabal mean? It's strong. Strong, yeah. Power. Sorry? Power. Power, okay. Yeah. In today's scenario, so change is taking place, right? Sorry? In today's scenario, change is happening every day, right? Absolutely. What used to exist 10 years ago doesn't exist today, right? And what exists today might not exist 10 years after. So what do you think, in what all fields or in fields in the sense of IT sectors, we should put in our hands? Because in seeing today's scenario, those things might seem to be a better choice, as far as I'm concerned, after 10 years, they might not exist, right? So what all things would you suggest to lay our hands in, rather than... That's a good question. That's the reason I always say a good sound degree. For example, I'll just give you, like, why I always say computer science from IIT kind of a institute or Indian Institute of Science, Bangalore, these kind of places will be a good choice. Because they focus on building blocks, you know. You know, what are, for example, like, see today, if you go to many of these colleges, I mean, no offense meant, private colleges can also be good. But in a lot of lesser colleges, the focus may be, let's say, to teach you Java or .NET, you know. In IITs, they may not focus on any language. They'll focus on building block languages. Shikshatmak Sanskritik Karikram Evam Chintan Hetu Vishwa Ekta Satsangi Aap Sabhi Sa Parivar Sadar Amantrit Hain.